नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुभा कपिल और अपने चैनल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में करती हूं आप सबका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम चल रहा है, यानी कि आइसक्रीम का मौसम चल रहा है ना। तो इस मौसम में हम आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। और फ्रेंड्स, ये जो आइसक्रीम है वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम है और ये मैं एक बेसिक आइसक्रीम बना रही हूँ। इस आइसक्रीम से आप किसी भी फ्लेवर में आप अपनी कोई भी आइसक्रीम बना सकते हैं। पहले बेसिक आइसक्रीम बनाई और उसके बाद आप जो चाहें इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आइसक्रीम में मैं ना तो कोई व्हिप क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ना ही कोई फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मतलब बिना किसी क्रीम की आइसक्रीम बना रही हूँ। और इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि ये आधा लीटर दूध से मैं बनाऊँगी और बनने के बाद आप इसकी क्वांटिटी देखेंगे कितनी, डबल ट्रिपल, उससे भी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। बिल्कुल बाजार के टेक्सचर जैसी सॉफ्ट और क्रीमी ये बनेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं। ये है आधा लीटर दूध, जैसे मैंने आपको बताया। साथ में मैं ले रही हूँ ये 8 टेबल स्पून चीनी और ये 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1.5 चम्मच है ये GMS पाउडर और यह CMC पाउडर, यह है 1/4 टीस्पून। इनके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सब का लिंक, इन सब की जो क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने में देखिए कितना आसान मेथड है। मैं अब इन सबको बारी बारी से इसमें दूध में, मैं ठंडा दूध लिया है, गर्म दूध नहीं लेना है इसके लिए बिल्कुल भी। इस दूध में मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी। पहले डाली चीनी और ये कॉर्नफ्लोर तो वैसे भी हमेशा हम ठंडे दूध में ही मिक्स करते हैं, और ये भी, और ये सभी को मैं धीरे धीरे डाल देती हूँ और सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि इसमें लम्स नहीं आए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जरा सभी इसमें लम्स कांटे नहीं होने चाहिए। और अब मैं इसको रख दूँगी गैस स्टोव पे, इसको बस एक बॉइल देने के लिए गैस स्टोव पे लगाती हूँ मैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे गैस स्टोव पे रख दिया है। अब इसको हमें लगातार चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जल सकता है कभी, कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है कभी कभी। और इसको लगातार चलाते हुए हमें सिर्फ एक बॉईल देना है इसके अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं इसको गैस स्टोव को कर देती हूँ ऑफ और मैं इस दूध को अब रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और इसको बिल्कुल ठंडा होने के एकदम बाद मैं इसको रख दूंगी फ्रीजर में लगभग 8-10 घंटे के लिए, या मैं इसे ओवरनाइट रख रही हूँ इसको, जब तक ये अच्छे से नहीं जम जाता है। तो मिलते हैं इसके जमने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये ना आइसक्रीम बेस मैंने बनाई थी कल और इसको मैंने फ्रिजर में रख दिया था रात को, और आप देख सकते हैं ओवरनाइट इसको मैंने रखा क्लिंग फिल्म लगाकर। अच्छे से क्लिंग फिल्म जरूर लगा कर रखिए, या तो फिर किसी एयरटाइट कंटेनर में रखिए। ये ना मैंने इसी भिगोने में मैंने इसको बनाया और सेम इसी में मैंने रख दिया। आप चाहते हो तो किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं। मैंने इसी में बनाया ताकि इसको मैं इसी में, मुझे फेंटना है फिर मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ता है इसे उसमें, उसको वापस इसमें। तो अब इसको मैं, क्योंकि फूल के ज़्यादा हो जाने वाला है इसलिए मैंने इसको कर लिया। और अब इसको थोड़ा ना कट कर दे, कितना हार्ड हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा कट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने डायरेक्ट इसको इसलिए ब्लेंड नहीं किया क्योंकि अभी काफ़ी हार्ड जमा हुआ था, वरना हमारी जो ब्लेंडर के ब्लेड्स ख़राब हो जाते हैं। और इसको मैंने इससे कट किया है। आप यदि अवेलेबल ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसी करछी है ना, किसी भी करछी वर्छी से इसको ऐसे कट कर लीजिए। लेकिन हाँ, कभी भी इसको गर्म पानी वगैरह में रख के मेल्ट नहीं कीजिएगा। और इसको इस तरह से कट किया और अब हम इसको ब्लेंड करने वाले हैं हैंड ब्लेंडर की हेल्प से। अब हैंड ब्लेंडर से पहले हम इसको 1 पॉइंट पर और सर्फिस की स्पीड बढ़ा देंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे। काफ़ी फ्लफी हो जाएगा ये। हम देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा देने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो गया ना। इतना सा था ये, आधा किलो था ये, और ये भिगोना हमारा लगभग 2.5 किलो का भिगोना है ये, और 2.5 किलो के लगभग ये आइसक्रीम हमारी बन चुकी है। अभी थोड़ी सी और फ्लफी होगी, लगभग 4 या 5 मिनट इसको लगते हैं इसको बीट करने में। बस इसको अच्छे से बीट किया और इसके बाद मैं इसको एयरटाइट कंटेनर में रखने वाली हूँ। तो थोड़ा सा बीट और कर देती हूँ इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इस स्टेज पर मैं इसे मिलाने वाली हूँ घर की मलाई है, आधा कटोरी मलाई है। आप इसकी जगह 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और ये लगभग 1/2 चम्मच वनीला एसेंस, क्योंकि अभी बेसिक आइसक्रीम बन रही है। इसके बाद आप इसको किसी और भी फ्लेवर में बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बेसिक आइसक्रीम बनाने के लिए इसमें वनीला एसेंस और ये मलाई मैंने डाली और इसको फिर अच्छे से बीट कर दे रही हूँ। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी वॉल्यूम कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। और अब आप देखिए कितनी फ्लफी भी हो गई है और इसकी वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये 2.5 किलो से ज़्यादा आइसक्रीम हमारी बन गई है सिर्फ आधा किलो, आधा लीटर दूध से। आप विश्वास करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, मैंने लिया इसको, मैं
करती हूँ साइड में, और ये लिया मैंने कंटेनर जो कि एयरटाइट है। आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर को ले लीजिए, या तो फिर अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी कंटेनर में लीजिए और उसके ऊपर अच्छे से क्लिंग फिल्म रैप करके रख दीजिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको कर रही हूँ शिफ्ट इस कंटेनर में, वैसे एक में तो आ नहीं पाएगा, मैं किसी दो कंटेनर में इसको शिफ्ट करके और पैक करने आ रही हूँ। मैं कुछ बड़ा ले रही हूँ, थोड़ा एक कंफर्टेबल लेगा डालना, तो इसको मैं इसमें कर लेती हूँ शिफ्ट। तो बस मैं इसको रख कर देती हूँ, और रखकर इसको क्लिंग फिल्म लगाकर और इस एयरटाइट कंटेनर का ढक्कन इसको अच्छे से पैक करके और रख देती हूँ फ्रीजर में, और मिलते हैं कुछ इसके जमने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम जम चुकी है, दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने निकाली है फ्रीजर से, ये मैंने पूरी रात जमने के लिए रखी, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जमी है ये। जितनी हार्ड देखने में लगी लेकिन उतनी सॉफ्ट ये इसका टेक्सचर है। देखिए मैंने क्लिंग फिल्म लगाकर इसको अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में रख दी थी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया और कितनी सॉफ्ट जमी है, देखिए बिल्कुल जैसे बाजार की आइसक्रीम होती है, सॉफ्ट और क्रीमी है ना। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, और मैं एक स्कूप इसमें से भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितनी बढ़िया निकल रही है आइसक्रीम, और ना अभी मैंने ये सिंपल आइसक्रीम बनाई, ये बेसिक आइसक्रीम है, इसमें आप कोई भी एसेंस मिलाकर अपनी पसंद का कोई भी इसको चॉकलेटी या किसी भी फ्रूट को डालकर इसको बना सकते हैं फ्लेवर अपने फ्लेवर वाला। और इसके बाद में ना मैं अगली रेसिपीज में बहुत अच्छी फ्लेवर वाली आइसक्रीम भी बनाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा मैं भी एक स्कूप और निकालती हूँ जरा। अब देखिए फ्रेंड्स, इनको ना चाहे आप ऐसे ही खा सकते हैं, और चाहे इसको आप थोड़ा सा गार्निश भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं हर्शीज़ की, और या तो फिर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डाल सकते हैं। मैं इस पर एक पे डाल रही हूँ थोड़ा सा हर्शीज़ का कैरमल सिरप। ओके, एक को तो मैं कैरमल सिरप डालकर फिनिश कर रही हूँ, एक पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से ये स्प्रिंकलर्स, थोड़ा सा अच्छा सा लुक टेक्सचर देने के लिए। आप चाहे तो इसको सिंपल रख लीजिए, और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और मैं एक को ना प्लेन रखने वाली हूँ, सिंपलिसिटी बिल्कुल सिंपल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल बेसिक आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो हमें कोई भी आइसक्रीम यदि बनानी है, पहले हम इसको बेसिक आइसक्रीम बनाएंगे, इसके बाद फिर इसको किसी भी फ्लेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने आपने देखा किसी क्रीम के हमने यूज़ नहीं किया। अब इसको आप बनाइए, ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।